हरसूद तहसील के ग्राम प्रतापपुरा और नंदगांव में जल संकट घेरा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर नल जल योजना के ठेकेदार द्वारा भी मनमानी की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। हरसूद में संयुक्त कार्यालय भवन में खड़े हुए हैं और प्रतापपुरा और साथ में प्रतापपुरा की नंदगांव जो गांव है, एक ही पंचायत के दोनों गांव हैं और यहां पर अभी ग्रीष्म ऋतु शुरू भी नहीं हो पाई है और जल संकट गहरा गया है और साथ ही वहां पर जो पानी की टंकी का काम चल रहा है वो अभी भी अधूरा है और साथ में ग्रामीणों का आरोप है कि जो ठेकेदार है वो उन्हें पानी नहीं भरने दे रहा है। उसके पास जो पानी के संसाधन मौजूद हैं और गाँव के लोग काफी परेशान हो रहे हैं और गुंडागर्दी करने के भी आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए। हम गांव के लोगों से बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम लोवंशी है। क्या कहेंगे आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कल वहाँ पानी भरने गया था ट्यूबवेल पे अपना ट्रैक्टर लेके टैंकर लेके। हाँ। तो उसने पानी भरने नहीं दिया और बोल रहा था कि मोटर अगर जल गई तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको सही करवा के देना पड़ेगा। और जो उसका चौकीदार था वो बहुत ज्यादा मतलब नाटक कर रहा था कि भैया अपना टैंकर लेके जाओ तुम, हम पानी यहाँ भरने नहीं देंगे। अच्छा, यही बात लेके आप यहाँ ज्ञापन देने आए? हाँ, यहाँ ज्ञापन देने आए। और कौन है आपके साथ और गांव के लोग? बाकी सब खड़े हैं। भैया आप कुछ कहेंगे? भैया क्या नाम है आपका? गुलशेर खान। क्या कहेंगे आप? भैया पानी की समस्या है। हाँ। और ये ट्यूबवेल लगा इसमें पानी नहीं है। अच्छा, अगले साल भी लगाया था ना आपने? हाँ, उसमें पानी नहीं, हमको हरसूद से पानी दिया जाए सर। ग्रामीणों की मांग के समर्थन में गांव के सरपंच साहब भी आए, कैलाश पटेल जी, उनका क्या कहना है उनसे पूछते हैं। पटेल साहब क्या कहेंगे आप? सर डेढ़ साल से टंकी कार्य मतलब लगा हुआ है जी। लेकिन वो न तो चलने की स्थिति में न रुकने की, मतलब जब भी उनसे बातचीत होती बोले काम चल रहा है लेकिन काम रुका हुआ है और जब से मतलब उसका काम चल रहा है तब से एक बार भी उसकी तरी नहीं हुई ढंग से, उसको मतलब कार्य मतलब नहीं किया जा रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि पानी की व्यवस्था जल्द जल्द हो। और जब भी उनसे बात करते हैं वो यही बोलते हैं बोले बोले हमारा। अच्छा, मैंने वो उसकी शिकायत 181 में भी कर चुका हूँ। अच्छा। लेकिन वो मेरे से शिकायत उठाने की बात करते हैं। हाँ। और कार्य कुछ हो नहीं रहा गांव में। और जैसे बताया गया कि कुछ लोगों के साथ गुंडागर्दी जैसी भी बातें, जी, क्या है मामला? कल ये हमारे भाई जो आए थे इनको मतलब टैंकर से पानी नहीं भरने दिया, बोले हम हमारे हिसाब से सब कर लेंगे बोले, और बोले आप पानी भरने वाले कौन हो तो बोले जाओ बोले साहब से बोले ठेकेदार से बात करना आप बोले। अच्छा, वो जो चौकीदार था उसने पानी नहीं भरने दिया इनको। अच्छा जी, इस तरह से मनमानी कर रहे हैं जी। अच्छा, और कौन है गांव के लोग, क्या अपनी बात कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे भाई, आप कुछ बोलेंगे? या तो ठेकेदार चेंज कर दिया जाए। हाँ। या फिर जल्दी जल्दी कार्य पूरा करे। अच्छा, मेरी यही रिक्वेस्ट है। अच्छा, क्योंकि दोनों गांव में बहुत ज्यादा है और अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ। तो पानी कहाँ से लाओगे फिर आप लोग? पानी हमारे एक एक किलोमीटर, एक एक दो किलोमीटर दूर से लेके आ रहे हैं। क्षेत्र का पानी भरा है, पब्लिक पूरी परेशान है ना। अच्छा। घर में कुछ काम करना है उससे पहले पानी लेके आओ। अच्छा, हर घर कोई कोई समस्या, भटकना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है भाई भी आपके गाँव, दो किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है पवन यादव। यादव जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि हमारे गांव में पाइपलाइन तो 3-4 बार गड़ चुकी है। अच्छा, अगले बीते हुए 5 वर्षों में भी गड़ी है। हाँ। लेकिन होता ये है कि हाँ। डूब क्षेत्र का जब वाटर वेग भराता है नर्मदा बांध का, हाँ। तो उसमें मोटर भटक के सरपंच और सचिव चला देते हैं मोटर गांव में, फोटो खींच के ठेकेदार के पैसे निकाल देते हैं। हाँ। और इसके बाद में जब वाटर वेग उतर जाता है तो पानी रहता ही नहीं, जबकि परेशानी तो गर्मी की है। अच्छा, गर्मी में हल होना चाहिए, पानी नहीं मिल पाता है। मतलब यही हुआ, अगले बार भी उनने डूब क्षेत्र में मोटर पटक के चला दी एक दो मोहल्ले में पानी। हाँ। और फोटो खींच के दे दिया। प्रतापपुरा दोनों जगह एक ही स्थिति है, एक स्थिति जल संकट गहरा गया, अभी संकट गहरा गया। तो इनकी मांग के समर्थन में महेंद्र सिंह राजपूत जी भी आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महेंद्र भैया क्षेत्र की समस्याओं में हमेशा अग्रणी बने रहते हैं और कल से अभी तक करीब 4-5 मामलों में इन्होंने जनता के समर्थन में सामने आए हैं और जनता की आवाज को बुलंदी दी है। महेंद्र राजपूत जी से बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे आप? नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। अभी ग्राम प्रतापपुरा के सभी सरपंच साहब, सचिव और सभी गांव वासी लोग आए हैं जी। तो एसडीएम साहब को एक आवेदन दिया अभी है जी। ठेकेदार पीएचडी माने जो ठेकेदार नल जल योजना का जो ठेका दिया गया है जी, कोई तो करीबन 1.5 साल से कार्य चल रहा है। अच्छा। तो कार्य में बहुत लापरवाही चल रही है। हम सोच रहे की अभी गर्मी का समय आ गया है तो पानी की बहुत समस्या है जी। तो हम सोच रहे कि ठेकेदार से सभी लोग निवेदन कर रहे हैं और एडीएम साहब को आवेदन दिया इसीलिए कि जल्दी जल्दी टंकी काम किया जाए। हाँ। ताकि लोगों की जो जल की समस्या है। हाँ। गर्मी ऋतु को देखते हुए। हाँ। तो हमारा यही एडीएम साहब से निवेदन करा हम लोगों ने, सभी ग्राम वासियों ने, सरपंच साहब ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने कि कार्य जल्दी से जल्दी शीघ्र किया जाए और नहीं तो ठेकेदार पर कार्रवाई किया जाए, यही मेरा कहना है। ठीक है, हमारे इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नई खबरें आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।